अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। केसी 100 इंडेक्स में काफ़ी दिन की तेज़ी के बाद आज हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हुई और प्रॉफिट टेकिंग होते हुए नज़र आई। हालांकि कल आप लोगों के इल्म में कि रात में IMF के बोर्ड ने जो है अप्रूवल भी दे दी और पाकिस्तान को $1.2 बिलियन भी है आज ड्यूरिंग द डे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, जिसके बाद हमने देखा कि ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के अंदर डॉलर थोड़ा सा जो है वो वीक होता हुआ नज़र आया और रुपया जो है वो स्ट्रांग हुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो जो एक शुरू में तो थोड़े म्यूटेड वॉल्यूम्स है, लेकिन जिस तरह दिन गुजरता गया इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा इंक्रीज़ देखा। एक वक्त आया कि जब 400 पॉइंट से ऊपर जो है वो इंडेक्स चले गया था, लेकिन जब मार्केट बंद हुई थी वो नेगेटिव 200 पॉइंट्स जो है मोर देन 200 पॉइंट के साथ जो है बंद हुआ। रीज़न जो नज़र आते हैं वो ये नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए जो है वो नज़र आई है, और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे थे जो क्या कहते हैं जिनके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग होते हुए जो है नज़र आई, और कुछ स्क्रिप्ट जो है वो अपनी जो है वो अपनी जो है पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो है वो खड़े रहे। ओवरऑल वॉल्यूम्स भी जो है वो काफ़ी बेहतर रहा और तकरीबन जो है 489 मिलियन शेयर्स का जो है आज ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर जो है काम हुआ है। जिस तरह WTL काफ़ी दिनों से जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर है, आज भी WTL में ज़्यादा काम हुआ है, फिर TPLP और फिर जो है के इलेक्ट्रिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो काम हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में जो है वो एक मिक्स सेंटीमेंट रहेगा, लेकिन मार्केट में जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है हम ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि अब पिछले एक हफ्ते में अगर बात करें या ईद की छुट्टियों के बाद से अगर हम देखें जो सेशन हुए हैं 7-8, इसमें मार्केट ने काफ़ी जो है पॉजिटिवली जो है वो पॉइंट्स ने जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट जो है कंट्रीब्यूट किया है, और जो उसके बाद से पॉजिटिव न्यूज़ भी जो आ रही है। पहले हमने देखा कि सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर आया, फिर UAE से 1 अरब डॉलर आया, फिर जो है IMF से भी आ गया है और हमें IMF के प्रोग्राम के अंदर भी जो एंटर हो गए। तो मेरे ख्याल से जो फर्दर और कुछ इन्फ्लोज़ वगैरह हैं वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जिन्होंने हमें जो है वो क्या कहते हैं प्रॉमिस किया हुआ है पैसों के हवाले से या कमिटमेंट दी हुई है, तो वो भी आ जाएंगे। तो पॉसिबली ये जो है वो एक पॉजिटिव होगी, और पाकिस्तान फ़िलहाल जो है जो एक डिफ़ॉल्ट के हवाले से बात हो रही थी तो तकरीबन 7-8-9 महीने तक जो है फ़िलहाल या जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती ये मसला जो है वो जो है हम डिफ़ॉल्ट की जो सिचुएशन है उससे जो है वो निकल गए। तो मेरे ख्याल से मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिसमें गुंजाइश बनती है, और मार्केट में अभी भी जो है वो क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है। तो जहाँ जो अच्छे स्क्रिप्ट हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उनमें अभी भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है, काम किया जा सकता है, एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा जो साइक्लिकल साइड है या साइक्लिकल स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा जो है वो पॉसिबली आगे जाके जो है वो इतना शायद हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म ना करें। थैंक यू।